है मोटी हे फैमिली, कैसे हो आप सब। आज है डेट 16 जुलाई और सुबह के 6 बज चुके हैं। मैं 5:30 बजे उठा था और अभी रेडी हुआ था, बिकॉज अभी हम जा रहे हैं दिल्ली। लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा और मैं इस घर में आया था क्योंकि मम्मी पापा दूसरे घर में थे और फिलहाल पापा यहाँ आए सुबह सुबह, मम्मी पापा 5:30 बजे और पापा तो वैसे ही सो गए और मम्मी भी सोई गई है और ऋषभ रात को आ गया था। ये रेडी हो चुका है और अभी मुझे ना मेरी दी को भी पिक करना है। मेरी दी वहीं रास्ते में ही, उनको ड्रॉप करना है मुझे अभी, रास्ते से ही पिक करना है और रास्ते में ही ड्रॉप करना है। पापा जा रहा हूँ मैं, ओ जा रहा हूँ, थक गया बाय 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 डब्बू जो भी जा रहा है जा रहा हूँ बाय बाय बेटा, ठीक है मिलते हैं। ओके मम्मी, जय माता दी, जय माता, ठीक है आपका, बाय बाय। जूते चाहिए तेरे को वहाँ पे? गीले जूते सुखा लो आना जाके, वहाँ चाहिए तो सही मुझे, क्योंकि जो मेरे वो जूते थे ना आपने देखा होगा वो बारिश में भीग गए थे और रात को जब मैं पैकिंग कर रहा था तो वो सूखे ही नहीं थे, तो मैंने ऐसे गीले गीले ही डाल लिए इसमें। फिर मेरे को था कि मैं दिल्ली जाकर उसको सुखा लूंगा, यहाँ पे रखने का क्या ही मतलब है, शायद क्या अब तक ट्रिप पे भी साथ लेके जाऊँ जूते मैं। वापस आ गया और क्या क्या हुआ? ये ड्राई फ्रूट और फ्रूट है थोड़ा। क्या इसमें ड्राई फ्रूट और फ्रूट है? एक तो कार का पानी खत्म हो गया, फटाफट ये भर लेता हूँ। पूरी गाड़ी भर चुकी है। मैंने लास्ट टाइम दी को बोला था कि आप सामान इतना कम लाए हो कि आपके साथ दो बच्चे भी हैं और आप इतना कम सामान लाए हो। दी कह रही चल तेरे मन की मुराद पूरी कर दी, दीदी इतना सारा सामान ले आए और मम्मी के घर से आए तो सामान तो लेके जाएंगे। टाइम हो चुका है 10:30 और दिल्ली पहुंच गए हम, तो रास्ते में सोचा कि बच्चे भी हैं मतलब भांजे हैं मेरे तो कुछ खा लेते हैं, तो यहाँ दीदी बोले यहाँ के पकौड़े बहुत अच्छे हैं और सामने मुझे दिखी लस्सी, बहुत टाइम बाद लस्सी पी रहा हूँ, बहुत टेस्टी भी है। फिलहाल बज चुके हैं 12 और मैं अभी घर पहुँचा हूँ। आई नो इस बार मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि रास्ते में रुक भी गए, भांजों को कुछ खाना था और साथ ही साथ थोड़ा दी के घर की साइड गए थे तो वहाँ से वापस आने में भी टाइम लग गया और आधी दिशा तो सो गया। पानी ले आएगा ना तो पक्का वाईफाई कनेक्ट कर दूंगा। करके दे फिर ले आऊंगा पानी, पहले पानी ले गया, देख तू पानी ले जाएगा, मैं जा रहा हूँ लेने, तू कर तो सही। मैं तो रेडी हुआ नहीं लेकिन सुर भी जल्दी आ गई है मोटी है। और 2 दिन मुझे याद किया, मैं तो रो रहा था इसकी याद में तो मैं बता भी नहीं सकता है। पार्टी दे चला, ठीक है चल, कहाँ चले कहाँ चले? अच्छी सी जगह। अच्छी जगह कैसी? क्या अभी हम ट्रिप पार्टी तो हम रोज ही करते रहते हैं, अब पार्टी कोई अब क्रेज रहा नहीं इतना पार्टी, लेकिन अच्छी सी पार्टी करेंगे ना, जैसे हमने अभी सॉन्ग का सेलिब्रेशन किया था उससे भी अच्छा कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन नितेश का भी बर्थडे है वो भी सेलिब्रेट करना है हम सबने, तो हो ही गई पार्टी, चल छोड़ कर लेंगे, माफ कर दिया, चल छोड़ माफ कर दिया। और ऋषभ देखना आती उसको सुर भी वो बोल रहा है जा पानी भर के, ऐसे कैसे नहीं जाएगी भाई, वो खुद जाओ भाई, खुद जा पानी भर के, खुद जाके पानी भर के, नहीं प्लीज प्लीज नहीं चलेगा यहाँ पे, जब से आए पानी भर के आप चल, ठीक है सुर भी जा पानी भर के। आज का लंच कुछ स्पेशल है क्योंकि आज इतने टाइम बाद, शायद ऐसा कभी हुआ भी नहीं कि हमने लंच चारों ने साथ में बैठ के किया हो, ये सुरभि की वजह से हुआ। सुरभि सबके लिए खाना सर्व करके लाई कि खाओ खाओ सभी साथ में खाओ, ऋषभ भी आ रहा है अभी, आ जा खाना खाना है तो भाई। राजमा बहुत टेस्टी है, सुरभि की मम्मी ने बनाए हैं, ऐसे राजमा तूने कभी खाए नहीं होंगे सच में। मैं ना सही एकदम, मेरे को सच में बहुत टेस्ट लगे, ऐसा नहीं कि सुरभि की मम्मी ने बनाया तो मैं जब तारीफ कर रहा हूँ, अच्छे हैं और छोले भी अच्छे बने, सब खाना अच्छा। छोले तो हमारे जो आंटी आते बनाने वाले उन्होंने बनाए और राजमा सुरभि की मम्मी ने, काश सुरभि को भी बनाने आते, मेरे को आते हैं बट मेरी मम्मी ज्यादा टेस्टी बनाती तो मैं नहीं बनाती। सुरभि की पनीर तो हमने देखी थी, उन्हें लबा लबा पनीर के नाम पे हमें पागल बना दिया था सबको, ऐसे बोलेगा चल नहीं बोल रहा, माफ किया, विंडो सीट के लिए लड़ रहे हैं तो तुम भी तो लड़ते हो, मैं कब लड़ा था भाई, मैं तो इसलिए बैठा था अभी मस्त पैर लेने वाले थे। पहली बार तुम बच्चे नाल का कैमरा मंगवा रहा था मैं ऊपर से, मैंने कुणाल को बोला था साथ लेके आई हो लेकिन वो लेके नहीं आया और अब लड़ाई हो रही है कौन लेके आया, मैं बीच में बैठा हूं, मैं तो ले आता, मैं तो लाऊंगा, मैं दूर हूं, तुम सबसे पास पड़ रहे हो उसे, यह सुरभि सबसे पास, सुरभि को भेज दो, नहीं मैं तो सो रही हूं, सुरभि तेरे को मौके की कसम है जाके, नहीं किसी की भी कसम दो मैं नहीं जा सकता।
खतरे में यार ये ना ऐसे ऋषभ जब से आया ना ऋषभ सुरभि के इतने मजे ले रहा है, कहता कुणाल और नितेश तो कुछ नहीं बोलते, मैं बोलूंगा अब वो सब जब से मजे ले रहा है। वो दिनों हमें छोड़ के भाग गए क्योंकि हम पार्किंग में कार लगाने जा रहे थे, बोले तुम पार्किंग में इतने कार लगाओगे हम इतने मॉल पहुंच जाएंगे। मैं कहा हद है भाई, थोड़ा सा ट्रैफिक देख के धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। ये सेम वही कपड़े लेने तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, इसमें हाफ में ले चुका हूँ और ये देखियो ये भी सेम लेके गया हूँ और कोई समझ ही नहीं आ रहा। और मैंने ऐसी एक उठाई इसमें बिठा इंस्पायर्ड होते हैं सारे। हाँ इंस्पायर्ड होते हैं ऐसा कुछ नहीं भाई, भाई पहले ले आते सारे उठा के हमारे जाने से पहले पहले। पता क्या हम आते हैं ना, हम पहले मैं उस साइड जाऊंगा वो उस साइड वो उस साइड और लास्ट में हमें पता चलेगा एक एक दो डिजाइन ऐसे होते हैं कि जो सेम उठा लाते हैं हम। अभी हमने जो कपड़े लिए ना सबने वो विंटर्स वाले हैं थोड़े थोड़े, तो आप उससे गैस कर सकते हो कि हमारा नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का है। सुरभि के कपड़े अभी लेने हैं, जब इसके मुँह पे वो चमकान दिखती नहीं थी क्योंकि इसके कपड़े अभी ले नहीं थे ना। और ये देखो इतने देर से मैंने पकड़ा कैमरा ऑन होती है पकड़ा इसने आराम से साइड रखवाए होते तो कपड़े दो मिनट के लिए उठा ले अभी हम जा रहे हैं चेंजिंग रूम की लाइन में, लाइन बहुत लंबी है, मतलब हम तीन ही खड़े हैं अभी। अभी पांच कैबिन है वो बंद ऑलरेडी बुक है। कल आएगा ठीक है मैं जा रहा हूँ भाई। एक तो पता है क्या कुणाल के कपड़े मेंस वाले में नहीं मिलते, किड्स वाले में जाना पड़ेगा। तो जाइए देखिए कितने बड़े बड़े कपड़े इसको आएंगे भी नहीं साइज़ भाई, साइज़ नहीं है ना, तुझे खुला आता है मुझे पता है, एस थोड़ा खुला आता है ना, ज्यादा खुला आएगा। यूं लगता है कुणाल ने कपड़े ना अपने पापा के डाले हुए, आई मीन मेरे। अभी इन तीनों निक्कर की फोटो मैंने पापा को भेजी है कि उनको कौन सी पसंद आती है, देखते हैं कौन सी पसंद आएगी उन्हें। पापा ने ये वाली निक्कर सेलेक्ट की है और हमारी शॉपिंग कम्प्लीट हो चुकी है क्योंकि थोड़े दिन पहले भी हमने शॉपिंग करी थी, आपने ब्लॉग में देखा होगा। और मेरी कम्प्लीट होगी, अब सुरभि की स्टार्ट करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, थोड़ी देर ही लगी है ना। हाँ, बस डेढ़ घंटे लगा, ज्यादा टाइम नहीं लगा। मैं उनका वेट कर रहा था, इतना टाइम लगा। मैं बहुत जल्दी कपड़े सेलेक्ट कर लेता हूँ, ले ऐसे नहीं ये कैसा लग रहा है वो कैसा, इतना नहीं सोचता। अच्छा लगा तो खत्म बात, सही बात नहीं है। हम इतना वो करता मैं कि ये कैसा वो कैसा जो पसंद आता है। मित्र नाम लिया भाई, मेरे से नाम भी नहीं लिया। जब सुरभि शॉपिंग करते है मेरी हालत कुछ ऐसी होती है। शॉपिंग कर करके हम इतना थक चुके हैं, आए हैं कुछ खाने लेकिन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन क्या खाएगा, सबकी अपनी अलग अलग चॉइस है। अभी मैंने फ़ोन से कैमरे में शिफ्ट किया है क्योंकि वहाँ नीचे अलाउड नहीं था, अलाउड शायद यहाँ भी नहीं है, लेकिन जब तक चलेगा चला लेंगे भाई। डिसाइड कर लो यार क्या खाओगे भाई। मैंने तो कर लिया डोमिनोज खाऊंगा, मैं तो पाव मोमो खाऊंगी। पाव मोमो खाएगी, इन सब तो ऑर्डर आ गया। और हर ग्रुप में एक बंदा होता है जो कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा और फिर भी खा जाता है। सुरभि बोली मैं ये वाला बर्गर नहीं खाऊंगी और आती इतनी बड़ी बाइट लिए बेचारे का बर्गर ही आता है। मैं बोल के गई थी ना मैं तेरे वजह से खाऊंगी। ओ न्यूटा कब बोला? मैं बोल के गई थी। कब बोला? बोल के गई थी मैं। सुरभि और मेरा हर बार की तरह आ गया ऑडियो चेक। आल अपने लिए डोसा लेके आया था और सब ऐसे लग गए, पूरा खत्म कर दिया। मैंने हाथ नहीं लगाया भाई, क्योंकि मेन काम किसका है कुणाल इसमें, सबसे मेन काम किसका है इसमें, मेरे को इसका लग रहा है। ये देखो ये भी छोड़ा इसने, मैं जिंगी सारा जितना है ऋषभ इसने खुद उठाया, मैंने दिया सही बता खुद लिए, खा गई मैंने दिया था तो खाई क्यों नहीं, खा कर दिया है एक लास्ट पीस। ये भी नहीं छोड़ा इसने सारे खाते हैं के लेकिन कितनी क्यूट लग रही है, खाते इतनी प्यारी लगते हैं ना, ये मन करता है सारा मॉल का खाना खा दे यहाँ का। ठीक है थैंक यू। ये तो लड़ने लग गए भैया से। देख मैंने कहा था मैं जीत गया, मैंने कैच किया पहले, भैया ने खुद दिया तो कुली है ये मेरे को बना दिया। चलिए तो सामान मेरा कोई बात नहीं, ये और रहेगा। देख मैं कह रहा हूँ इसको यहीं छोड़ दे, हम नहीं लेके जा रहे हैं।
अरे ले ले, इसको परेशान कर जा रहा है, कह रहा है कि ना ये वाला पर्स नहीं, ये वाला ले ले, जो उसको पसंद आएगा ना कहेगा ये तो बहुत बेकार है, क्या लगी करी यार गंदे गंदे से। और रात की इसने 9 बजा दिए शॉपिंग करते करते, हमारी शॉपिंग 3 घंटे पहले खत्म हो गई थी लड़कों की, और 3 घंटे से अकेली कन्या शॉपिंग करती है। ये बता, ये सुरभि और ऋषभ की लड़ाई हो रही है कि आगे बैठने में, और सुरभि जीत गई। हम सब ना इतना ज्यादा कंफ्यूज है कि नितेश को क्या गिफ्ट दें, और नितेश का बर्थडे 18 तारीख को, जिसको नहीं पता, और 17 नाइट को पार्टी करने वाले हैं हम सब, और सुरभि को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ना कुणाल को कुछ समझ आ रहा, सुरभि अभी शायद गिफ्ट लेने ही जा रहे हैं हम, सुरभि इधर से सुरभि बोली बजट की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऋषभ ने एक अच्छी चीज सजेस्ट किया, और उसके बाद से सुरभि बोल ही नहीं रही, सुरभि का पिपी लो हो गया, हंसी हंसी भी नकली आ रही है, देखिए। और सही में जा रहे हैं हम, इसका घर उस साइड था और हम सीधा जा रहे हैं उसी लोकेशन पे। चलो भाई सुरभि, देखो कैसे बोल रही है, मुझे क्या है, सब सुरभि की जान में जान आ गई, हमने गाड़ी जैसे बदली ना, कि चल 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 सुरभि, बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं, बाय 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 गाइस। आज बहुत ज्यादा थक चुका हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था, फिर ट्रैवल किया, और फिलहाल रात के 9:30 बज चुके हैं। अभी मुझे व्लॉग एडिट करना है जो अभी मैंने आज शूट किया है, और साथ ही साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा व्लॉग्स बनाऊँ, और आपको दिख भी रहा होगा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोग इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, और मैं भी अपनी तरफ से ट्राई करूंगा मैं जितने ज़्यादा व्लॉग्स बना सकूं, और होप सो जल्दी हम डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दें। सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।